सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं अपने बैक पेन श्रृंखला में कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिन्हें कि हम लेने से हम बच सकते हैं, हमें पीठ दर्द नहीं होगा, और जिन्हें पीठ दर्द से ऑलरेडी पीड़ित हैं उन्हें भी काफी हद तक निजात दिलाने में सहयोग करेगा। तो सबसे पहला आता है मित्रों कसरत, अभ्यास, वर्जिश, एक्सरसाइज। अगर हम नियमित एक्सरसाइज करते हैं जो कि हमारे शरीर में एक स्ट्रेंथ बिल्डअप करता है, हमारे शरीर के हर अंग के प्रत्यंग को, मसल को, नर्व्स को मजबूत करता है, और इसके साथ ही हमारे बॉडी के वेट को, हमारे शरीर के वजन को नियमित करता है और नियंत्रित करता है। जब हम गाइडेड लो इंपैक्ट एरोबिक एक्टिविटीज करते हैं जो कि हमारे हार्ट हेल्थ को बूस्ट करता है, जिसमें कि हमें ज्यादा जर्क भी नहीं लगता है और स्ट्रेन भी नहीं होता है हमारे बैक को। कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो हमारे फिटनेस कंसल्टेंट हैं, उनसे जरूर संपर्क करना चाहिए। उनके रिकमेंडेशन पर ही आधारित हमें उन रिजाइम्स को, एक्सरसाइज को अपने रिजाइम में शामिल करना चाहिए। तो प्रमुखतः दो तरह के एक्सरसाइज होते हैं मित्रों। पहला तो है जो कोर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, जो कि हमारे एब्डोमिनल और बैक मसल दोनों को मजबूत करते हैं, जो कि हमारे मसल को तो मजबूत करते ही हैं, इसके साथ ही हमारे पीठ को सुरक्षित भी रखते हैं। इसके साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है, जो कि हमारे कोर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिसमें कि स्पाइन, हिप्स और अपर लेग्स भी आते हैं, इन सबों की ट्रेनिंग इसमें शामिल होती है। इसके साथ ही मित्रों दूसरा पॉइंट है डाइट की। अगर हम अपने डाइट पर ध्यान दें तो यह हमारे लिए परम आवश्यक है मित्रों, हमारे न कि जीवन के लिए, हमारे मजबूती के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। हमें डाइट वह लेना है जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो, विटामिन डी अथाह हो, जो कि ये विटामिन डी और कैल्शियम, ये दोनों हमारे स्पेशली बोन हेल्थ के लिए बड़ा ही जरूरी अवयव होते हैं। हेल्थफुल डाइट जो है हमारे शरीर के वजन को भी कंट्रोल करता है, तभी हम हेल्दी रह सकते हैं। हमें वही सब खाना है मित्रों जिसमें कि विटामिन सी की अधिकता हो। वह पाया जाता है किसमें? डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में, जैसे कि ब्रोकोली, बीटरूट, कैबेज, रेडिश, टोमेटो, साइट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी आदि कई फल हैं जिनमें विटामिन सी की मात्रा होती है। कीवी है, रस्पबेरी है, क्रैनबेरीज है, ग्रेपफ्रूट है, पपाया है, इस तरह से कई ऐसे फल हैं, पाइनएप्पल, ग्वाहा आदि हैं, जिन्हें खाने से आपको विटामिन सी की अधिकता मिलेगी। हमें वह खाना है मित्रों जिसमें कि कैल्शियम की अधिकता हो, जैसे कि दूध का पान कीजिए आप, रात में सोने के वक्त जरूर पीजिए, योगर्ट, चीज, एलमंड, सिसम सीड्स, ग्रीनी लीफ वेजिटेबल्स लीजिए जिसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। वह सब खाना खाइए जिसमें मैग्नीशियम हो, यह वो सब चीज है जो कि हमारे हड्डी को मजबूत करता है। जब हड्डी मजबूत होगी तभी हमारे पीठ दर्द की समस्या से भी निजात भी पालेंगे और पीठ दर्द की समस्या शायद कभी ना आए। जैसे कि होल ग्रेन्स है, लिग्यूम्स है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ड्राइड फिग्स है, अलमंड्स है, वॉलनट्स है। इसके साथ ही एक प्रमुख विषय है मित्रों हमारे पोस्चर। जब भी हम बैठते हैं, जहां भी बैठते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, हमारे पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए और हमें अननेसेसरली हैवी वेट कैरी नहीं करना चाहिए। तो हम पोस्चर को दो भागों में बांट रहे हैं मित्रों कि पहला पोस्चर हुआ है जब हम खड़े होते हैं तो किस तरह से खड़े होना चाहिए। जब भी हम खड़े होते हैं तो हमें यह ध्यान देना है कि हमारा पेल्विक पोजिशन बिल्कुल न्यूट्रल, हमें अपराइट स्ट्रेट, हेड फेसिंग फॉरवर्ड,
बैक को स्ट्रेट रखना है, अपने बॉडी वेट को बैलेंस रखना है, इवनली दोनों पैर पर। कई बार हम कुछ देर के लिए, कई लोग को आदत हो जाती है एक ही पैर पर खड़ा होने के, तो अपने दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखकर दोनों पर वजन देते हुए बैलेंस रख के ही बैठिए, जिसमें कि आपके हेड भी स्ट्रेट हो और वह हेड बिल्कुल इस तरह नहीं हो, स्पाइन के सीधे में। इसके साथ ही हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि जब हम बैठते हैं उस समय हमारा क्या पोस्चर होना चाहिए। हमें ऐसे पोस्चर को नहीं लेना चाहिए जिसमें कि बहुत देर तक बैठना चाहिए, ऐसे रूटीन आप मत लीजिए। कम से कम 45 मिनट के अंदर ही उठते रहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक बैठने से हमारे बटक मसल पर, हिप पर, लोअर बैक पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाता है। हमारे वर्किंग जहां भी हम बैठते हैं चेयर पर, यह सफिशियंट कुशन हो, हवादार हो, स्पंज हो, जो कि हमारे बैक को सपोर्ट जरूर दे, उसमें एक अच्छा बैक सपोर्ट का सिस्टम हो, हमारे आर्म्स को रखने की भी व्यवस्था होना चाहिए। जब भी हम बैठते हैं तो हमें प्रयास यह करना है अपने नी को बिल्कुल हिप लेवल में ही रखना है, नी को ज्यादा उठाना नहीं है, ज्यादा नीचे नहीं रखना है, अपने नी को बिल्कुल फ्लैट रखना है और फिट को फ्लैट फ्लोर पर रखना है, उठा के नहीं रखना, दबा के नहीं रखना। और कोई एक फुल स्टूल भी आप यूज कर सकते हैं, हमें बिल्कुल अपराइट ही बैठना चाहिए और सपोर्ट, बैक को सपोर्ट देके ही आप बैठिए जब भी बैठ रहे हैं। और आप अगर कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो आप यह इंश्योर कीजिए, यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके एल्बो कहीं न कहीं सपोर्ट ले रहे हैं, राइट एंगल पर ही एल्बो रखिए और अपने फोर आर्म को हॉरिजॉन्टल रखिए इस तरह से, और ये 90 डिग्री पर हो, यह एल्बो सपोर्टेड हो। तो इस तरह से कुछ पोस्चर की बदलाव है मित्रों। अगर इन पोस्चर की बदलाव डाइट और योगा प्राणायाम करते हैं तो निश्चित है यह बैक पेन से आपको प्रिवेंशन दिला सकता है और कभी आपको इससे पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको बैक पेन लेके डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। फिर हम अगले वीडियो में और भी यूजफुल कंटेंट के साथ बैक पेन के इस श्रृंखला में आ रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। नरेंद्र कुमार की ओर।